हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके और आप देख रहे हैं इनसाइड हिंद चैनल। तो आज आपको हम ले चलते हैं एम्स टू औरंगाबाद हाईवे की तरफ, जो आपको अरवल के लिए भी जाता है और ये आपको नौबतपुर के लिए भी जाता है। जो आगे से टर्न होकर के वो नौबतपुर के लिए भी निकल जाता है। तो आज आपको हम वो रोड का डेवलपमेंट दिखाएंगे और क्या कहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पे बिल्डिंग बनी, क्या हुआ, वो सभी आपको बताएंगे। अभी हम निकल चुके हैं आपको एम्स रौनकपुर से औरंगाबाद रोड की तरफ। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है इस रोड पे, बहुत ही कम डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको एक सामने बिल्डिंग दिख रही है, वो एक बिल्डिंग है जो आप कंस्ट्रक्शन का काम जिस पर चल रहा है। और यहाँ पे साइड पे कुछ छोटी छोटी कंपनी सब है, जैसे कि ये बिल्डिंग देख लीजिए आपके राइट साइड पे है और आगे भी आपके राइट साइड पे बिल्डिंग सब है, कुछ बिल्डिंग बन रही है। तो इस जगह पे थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, बट काफ़ी एरिया इसमें भी खाली दिख रहा है। हाँ, अल्बर्ट रोड रोड काफ़ी अच्छा है। अभी आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे कोई एक कंपनी है, और ये देखिए अभी ये जो राइट साइड पर बिल्डिंग दिख रही है, ये भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और आगे एक बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन अभी आपके देखिए आपके स्क्रीन पे भी ये लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दिख रहा है, तो आप नीचे दिए हुए लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन पे प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें। क्योंकि हम बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए बनाते हैं, डेवलपमेंट का जो भी कहाँ पर क्या चल रहा है वो हम आप लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं। अगर आप मिस कर जाएंगे तो फिर मेरे भी मेहनत बेकार हो जाएगी फिर, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा सारा वीडियो आप लोग देख सकें। ठीक है, आप लोग नहीं देखते हैं, मुझे पता है, पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके देखते हैं आप लोग, तो फिर भी देखते हैं। जहाँ पर 5 मिनट है वहाँ पर 2 मिनट देखते हैं, फिर भी देखते हैं। तो इसलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितना भी टाइम हो एटलीस्ट आप देख सकें। थोड़ा तो देखेंगे आप थोड़ा भी देखेंगे तो क्या है, मेरा हौसला बढ़ता है, फिर हम और भी वीडियो बनाते हैं, अलग अलग जगह का वीडियो, कहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है उस जगह का वीडियो फिर हम बना के डालते हैं। अगर पूरा देखें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर थोड़ा भी देखते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और लाइक भी करना ना भूलें। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अगर औरंगाबाद रोड के पे जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, जो भी डेवलपमेंट दिख रहा है सिर्फ राइट साइड पे ही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बस ख़राब हो गई है, अभी आपको वापस से एक सर्कल घूम रहा है सब्सक्राइब का आपके स्क्रीन पर, तो प्लीज़ ना भूलें सब्सक्राइब करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं राइट साइड पे कुछ बिल्डिंग है जो बनी हुई है ऑलरेडी, जो बन चुकी है, आपको दिखा रहे हैं कि हम कितना स्पीड में चल रहे हैं। ये बाइक मैंने सिर्फ ये बुलेट है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक के 350 PS6 मॉडल है ये, और ये मैंने स्पेशल लिया है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम पटना में रहते नहीं हैं, हम पटना से 130 किलोमीटर दूर रहते हैं, 130 किलोमीटर दूर रहते हैं पटना से। तो हम स्पेशल यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बाइक रॉयल एनफील्ड है, ये लॉन्ग जर्नी के लिए काफ़ी अच्छी है, तो थकान जो है वो महसूस नहीं होता है, तो टाइटनेस कुछ नहीं लगता है इसमें, तो इसलिए हम ये बाइक लिया है स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, ताकि वीडियो आप तक पहुँचा सकें। क्योंकि मुझे भी लॉन्ग राइड जो है वो काफ़ी मज़ा आता है लॉन्ग ड्राइव करने में, तो इसलिए हम अक्सर जब भी वीडियो बनाना होता है तो हम चले आते हैं पटना वहाँ से, और यहाँ पे आके वीडियो बना देते हैं, फिर आप लोग तक पहुँचा देते हैं। ओके, तो आपने देखा अभी कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है, बस जो भी है ये आपके सामने है, और बस इससे आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से ही वापस हो जाएंगे अभी। ओके, तो चलिए, ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।